हेलो दोस्तों, वेल आई होप ऑल आर वेल। सो गल करते हैं कि बहुत ही वधिया टॉपिक अपना जो पंजाब पुलिस कॉन्सटेबल का एग्जाम होया सी, जो लगभग 40 दे अराउंड जो शिफ्टां सी उसकी एक्सपैक्टेड कट ऑफ बारे आप गल करांगे। सो नैक्सट स्लाइड पर जाने तो पहला मैं सारे ने गल दस देनी चाहना, चैनल सबसक्राइब कर लियो, अगे तो अगे शेयर करो। जो अपनी एक्सपैक्टेड कट ऑफ होंगी है ना, वो लगभग बिल्कुल ही मतलब अराउंड फिगर ही जा वड़दी है। सो आपां अज गल बड़ी डीपली करांगे भी जो हो सकता तो जो सच आ वही करांगे, मतलब एवें हवा च तीर आपां नहीं छड्डांगे, जो भी गल होगी वही आपां करांगे, एवें आपां कोई ऐसी गल नहीं करांगे भी जिहड़ी गल का कोई मतलब ना होवे। सो एक्सपैक्टेड कट ऑफ भी पाउणा एक बहुत ही मतलब एनालिसिस करके ही कट ऑफ पैंदी, एवें नहीं पैंदी कट ऑफ, क्योंकि एनालिसिस कीता होगा कोई किसी तो कैंडीडेट्स तो आपां जानकारी ली होगी, तो ही आपां सोच सकते भी हाँ इत्थों तक कट ऑफ रह सकती है, जां आपां नूं पता भी इन्नी वैकेंसियां सी, इन्ने बच्चों ने पेपर दिता, जां पिछली बार की कट ऑफ सी, इस बार की कट ऑफ हो सकती है, ये आपां एक्सपीरियंस होगा तो ही आपां कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। ठीक है जी। सो चैनल शेयर कर दिओ जी वीडियो नूं, ते चैनल सबसक्राइब कर लो जी। ठीक है जी। ठीक है, आपां चलते हैं अगे। सो देखो जी, पंजाब पुलिस कॉन्सटेबल 2023 एक्सपैक्टेड कट ऑफ, जो जरनल है, जरनल कैंडीडेट्स की जो है कट ऑफ वो 65 प्लस जाने की जो है वो आस उम्मीद लगाई जा सकती है। 65 प्लस देखो जी, पिछली बार 4358 जो वैकेंसियां आईया सी, 4358 वैकेंसियां आईया सी, उस दे विच की होया जी, 4358 विच भी अपना जो सीगा कट ऑफ जिहड़ी 70 गई सी, पर इस बारी की है पेपर बहुत टफ सी 2021 दा। ईवन बच्चे इतों तक दस रहे सी भी 2017 दे विच 16-17 दे विच दे भी क्वेश्चन आए जिहदे विच प्रधानमंत्री दी कोई स्कीम पूछी गई सी। ठीक है, मतलब 2021-22 दे क्वेश्चन आए, 17 दे क्वेश्चन स्कीम पूछियां गईयां, मतलब बच्चा इन्ना थोड़ी पढ़ के जांदा, IAS लेवल दा पेपर सीगा, तां मतलब 65+ 65 66 हो जाए 67 हो जाए, इद उत्ते कट ऑफ नहीं जाती, 70 कट ऑफ किस हालत च नहीं जाती, भावें पोस्टा जो है भावें घट ही है पोस्टा, कोई गल नहीं 1800 के करीब जो पोस्टा आई, 1800 प्लस पोस्ट जो हैगी, मतलब कोई गल नहीं। तो जो जनरल लेडीज़ की जो फीमेल कैंडीडेट्स की जो कट ऑफ रहेगी वो 57 प्लस रहेगी, इदू ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। तो SC मेल की जो कट ऑफ है वह 60 प्लस वाले तैयारी कर लैन फिजिकल की, तो SC फीमेल वाले 50 प्लस वाले कैंडीडेट्स जो है वो तैयारी कर सकते हैं जी। तो SC MB पिछली बार भी SC MB की 58 कट ऑफ गई सी, इस बार 57, मैं एक नंबर घट ही दसी आ, क्योंकि पेपर बहुत टफ सी भाई, जिन्ना बच्चों ने पढ़ाई की आ जरनल दे विच कह लिए SC RO MB, क्योंकि बच्चे सारे सेम ही होंगे आ। ठीक है, सो कोई दिक्कत वाली गल नहीं होंगी, जो कट ऑफ है वह सेम ही मतलब होंगी, कोई दिक्कत नहीं, पेपर सारे वास्ते औखा सीगा। एक 57 कट ऑफ जो है SC MB वास्ते मेल वास्ते जा सकती है, SC फीमेल वास्ते 47 जा सकती है। ठीक है जी। तो यह जो है कट ऑफ, यह कट ऑफ SC MB वास्ते 47 फीमेल वास्ते, EWS मेल वास्ते जो है वो 60 प्लस जा सकती है। ठीक है, EWS मेल वास्ते 60 प्लस जा सकती है। ठीक है जी। A+2 हो सकती है और -2 हो सकती है, मतलब जर्नल दी जां तां 65 जा सकती है, 67 भी हो सकती है, एंड 63 भी हो सकती है, क्योंकि दो नंबर का आप फैक्टर लैके चलते हैं, आप एक्सपैक्टेड कट ऑफ की गल कर रहे हैं ना, मतलब रेंज अपनी 65 के लगभग है, 65 की मतलब 8 ग्रेड के ही कट ऑफ रहेगी, 63 हो जाए, 64 हो जाए, या फिर 66 या 67 हो जाए, मतलब 65 का जो क्राइटीरिया है 65 तक ही कट ऑफ जाऊगी, इदू उत्ते कट ऑफ नहीं जा सकती। ठीक है जी। ये हर हालत दे विच जो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है भी कट ऑफ इन्नी ही जाऊगी। सो EWS फीमेल दे विच 50 प्लस कट ऑफ जाऊगी। हुण आपां एक गल होर कर रहे हैं भी सिलैक्शन की दी होगी, सिलैक्शन दे विच पिछली बार की होया सी 14 नंबर जो सीगा 14 नंबर प्लस हुए सी, मान लो 70 कट ऑफ गई सी जर्नल्स दी,
71 ਦੇ 70 ਪਲੱਸ ਕੱਟ ਆਫ ਗਈ ਸੀ ਜਰਨਲ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਾ 82 ਦੇ ਉੱਪਰ 83 ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 12 ਨੰਬਰ ਪਲੱਸ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਪੇਪਰ ਔਖਾ ਸੀਗਾ, ਬੱਚੇ ਪੇਪਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕੱਟ ਆਫ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਲੱਸ ਹੋ ਕੇ 75 ਪਲੱਸ 2 ਔਰ ਮਾਈਨਸ 2 75 73 ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 77 ਦਾ ਐਕਸਪੈਕਟਡ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 73 'ਤੇ ਹੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 73 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹਨ ਉਹ ਸੇਫ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਓ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 57 ਫੀਮੇਲਸ ਦੀ ਹੈ, 57 ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ 10 ਜੋੜੀਏ 67 ਬਣਦਾ, 67 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਤਾਂ 66 ਜਾਂ 65 ਮਤਲਬ 65 ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 65 ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਨਰਲ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਲਗਭਗ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 73 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੇ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 75 ਜਾਂ 72 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੀਮੇਲਸ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਗਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, 8 ਨੰਬਰ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 8-7 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ 8 ਅਤੇ 65 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ SC ਮੇਲਸ ਦੀ, ਅਤੇ ਫੀਮੇਲਸ ਦੀ ਵੀ 47 ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 8 ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 55 ਪਲੱਸ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ SC ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 1/3 ਜੋ ਕੱਟ ਆਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਦਾ। ਹਾਂ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀ ਸੀ 40% ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ 10 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਲੇਡੀਜ਼ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, 6 ਲੇਡੀ ਮਤਲਬ ਜੈਂਟਸ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਕੱਟ ਆਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਾਊਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ।